इस वीडियो में बताएंगे आपको कि आप अपने स्मार्ट वैल्यू में जो एडमिशन लिए तो आपका आईडी जो है उसको कैसे चेक करना है, कैसे आप चेक कर सकते हैं मेरे ग्रुप में कितने सारे लोग हैं और कितना बिलिंग हुआ है, कैसे क्या हुआ है, सारा कुछ का नॉलेज इस वीडियो में मिलेगा। तो आप लोग कंटिन्यू इस वीडियो में बने रहिएगा तभी आप सीख पाइएगा, अन्यथा नहीं सीख पाइएगा। इसलिए कंटिन्यू बना रेगुलर रहिएगा तभी आप एक अच्छे से समझ पाइएगा। इसलिए ध्यान से इसको देखिए और समझिए, ठीक है। तो चलेंगे पहले तो अपना जो इसमें ऐप्स में क्रोम में जाना पड़ेगा। किस में? क्रोम में। तो क्रोम में हम खोज लेते हैं, यहाँ पे क्रोम है, ठीक। तो इसमें मेरा जो आईडिया आया हुआ है तो इसको हम फिर से सर्च करेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम इसमें जाएंगे, इसमें सर्च करेंगे, देखिए स्मार्ट स्मार्ट ऑफिस स्मार्ट वैल्यू डॉट बीज लॉगिन, देखिए आ गया। इसमें मैं पहले से सर्च किया था इसलिए जल्दी आ गया। तो आप लोग इसको सर्च कर लीजिएगा, स्मार्ट वैल्यू स्मार्ट ऑफिस डॉट स्मार्ट वैल्यू डॉट बीज लॉगिन, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो इसको क्लिक किया, ठीक। देखिए दोनों पेज आ गया। क्या है? पहला पेज स्मार्ट ऑफिस डॉट एस बी एल डॉट बीज है ना। दूसरा क्या है, नीचे आकर देखिए यहाँ पे स्मार्ट वैल्यू डॉट बीज, ये भी खुलेगा तो वो भी खुल जाएगा, मतलब दोनों। देखिए हम खोल के आपको पहले दिखाते हैं। इसको देखिए टाइप किया, खुल गया, मतलब जो पेज होता है वो आ गया है ना। ये देखिए, और नीचे वाला में भी जाएंगे, इसमें इसको हम खोलें, देखिए ये आ गया। इसमें लॉग इन जहाँ पर लिखा, देखिए रजिस्ट्रेशन पीछे लॉग इन, इसको हम यहाँ पे टाइप करेंगे, वो भी आ गया है ना। तो यहाँ पर हम खोलेंगे अपना आईडी। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इंटर स्मार्ट आईडी लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको आईडी नंबर लिखना है जो आपका रोल नंबर है, ठीक है। तो मेरा है 4235421, ये हम टाइप किए। जो अब मेरा पासवर्ड वो भी टाइप हो गया क्योंकि हम सेव करके रखे थे। तो इसको हम क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। देखिए बोला करेक्ट पासवर्ड डालने के लिए, फिर से डालते हैं। तो आप लोग देखिएगा, जैसे जो आपका पासवर्ड होगा उसको क्या करना है, इसमें डालना है तभी खुल पाएगा। देखिए फिर से करते हैं, ले नहीं रहा है, कभी कभी ऐसा होगा। तो फिर से आपको क्या कीजिएगा, फिर से आप उसको दोबारा से कीजिएगा, ठीक है। ये हो गया, उसके बाद जो अपना पासवर्ड है वो आप डालिएगा। आपको नहीं पता हो तो आप अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा, जिसको हम आप लॉगिन किए है ना। देखिए थोड़ा समय ले रहा है, समय ऐसे ही लेता, इसको फिर से करेंगे। इसमें थोड़ा सा समय लेगा तो आपको थोड़ा क्या करना है, वेटिंग का करना है, थोड़ा वेट का करना है, थोड़ा इसमें समय लेता ही है। तो फिर खुल जाएगा तो उसके बाद नहीं, ऐसा बार बार नहीं होगा। इसको लॉगिन पे टाइप करेंगे तो आधार खुलेगा। थोड़ा देर लग रहा है, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम इसीलिए थोड़ा देर लग रहा है। तो आप लोग भी थोड़ा ऐसे होगा तो घबराइएगा मत। देखिए खुल गया। ये पूरा क्या लिख रहा है, इन करेक्ट इन ईरो एक्यूरेट विल प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट है ना। मतलब नेट का थोड़ा प्रॉब्लम है, ये आगे लेकिन सारा कुछ आगे। देखिए कहानी का स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड M17 सेकेंड फ्लोर लाजपत नगर न्यू दिल्ली। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो उसको एक ही चीज़ है उपाय, देखिए फिर से इसको हम बैक करेंगे, ठीक है। बैक किए, एक बार आउट करेंगे बैक, ठीक, एक बार आउट करेंगे है ना। ये पूरा मतलब लास्ट में शुरू में ले आएंगे, ठीक। यहाँ पर लिया इसमें खोले थे, इसको फिर से हम टाइप करेंगे, ठीक है। इसको फिर से टाइप किया, आप जहाँ पर लॉगिन किए वहाँ पर इसको टाइप कर दीजिए, आपका डायरेक्टली जो आईडी है खुल जाएगा। देखिए थोड़ा समय ले रहा है, ये देखिए जो आपका आईडी वो खुल चुका है। इस तरह से आपका आईडी खुल जाएगा है ना। जो आपका लेफ्ट राइट में जो होगा सो मैं अपना शो वगैरह करेगा है ना, ये सारा हो गया है ना। तो यहाँ से आप जो देख सके कि आपके ग्रुप में कौन कौन लोग हैं, तो यहाँ पर आपको टाइप करने का माई बिजनेस टूल्स, इसको टाइप करना पड़ेगा। ये टाइप किया, देखिए आपके नीचे कितना सारा ग्रुप है, ये सारा कुछ आ चुका है ना। तो आपको क्या करना है, इस तरह से चेक इन वगैरह करना है कि आपके ग्रुप में कौन कौन सारे लोग हैं, ये सारा कुछ आपको
चेक करना। इसमें जितना आपका ग्रुप होगा सर आपको बता देगा, लेफ्ट राइट में कौन सा है ना, सारा कुछ आपको इस माध्यम से पता चल जाएगा। इसको ऊपर जाना है तो फिर से हम इसको ऊपर पेरेंट पे टैप करेंगे। देखिए पूरा आ गया, ए टू जेड आ गया है कि नहीं, देखिए। और इसका मतलब भी थोड़ा समझ लीजिए, आईडी में मतलब एक्टिव का मतलब क्या होता है ना, यहाँ पर आपको दिया होगा। नीचे नीचे आइएगा, यहाँ लिखा क्या है, सोशल स्टेटस कोड्स। ए फोर क्या होता है, एक्टिव होता है, बी फोर होता है ब्लॉकेड, ई फोर एक्सपायरेड, और एस फोर होता है सस्पेंड, यू फोर क्या होता है अनपेड होता है। मतलब अपने आईडी में देखिएगा तो ये लिखा होगा ना, मतलब एक्टिव है आपका आईडी, और बी लिखा होगा तो मतलब ब्लॉक हो चुका है ना। ये मतलब एक्सपायर हो गया, सस्पेंड मतलब, एस मतलब सस्पेंड, और यू मतलब अनपेड। इस तरह से अगर एक्टिव ए लिखा रहेगा तभी समझिए कि आप उस आईडी पे इनकम वगैरह कर सकते हैं, समझे। तो इस तरह से आपको ये इस तरह से खोलना आ गया, आपको ये हो गया है ना। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपके जो ग्रुप में है तो कैसे आपका डीडी सबमिट हुआ, कितना सारा लोग है, ये तो आपको पता चल गया। कुछ और यूनिक इसमें है, उसको भी बाद में बताएंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही, इतना समझिए, और अपने जिसको जिसको खुले नहीं आता उसको ध्यान से देखना है और सोचना है और समझना है, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को अगर स्मार्ट वैल्यू से तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय जय स्मार्ट वैल्यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।